हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरल साइंस के डिस्कस कर रहे हैं दिस विल बी लेक्चर नंबर सी डी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये वाले एमसी तो हर एग्जाम के लिए यूजफुल है ठीक है बट प्राइमरी फोकस अभी हमारा ईपीएफओ के ऊपर ही है बिकॉज हमारा एग्जाम

आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हो तो आपको पीडीएफ uh, फाइल्स uh, जो है uh, वो भी इसके साथ मिलेंगी जो यूट्यूबर्स की लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल्स हैं ओके एंड अभी परसेंट ऑफ चल रहा है इफ़ यू यूज़ द कोड यूपीएससीपीएफ ओके सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट एंड पहला क्वेश्चन देखेंगे ये है आपका पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज और डायमीटर तो बेसिकली साइज के हिसाब से आपने प्लैनेट्स को अरेंज करना है ऑप्शन ए है मार्स वीनस अर्थ मर्कीनस बी मार्स वीनस अर्थ यूरेनस मर्की मार्स वीनस अर्थ एंड डी इज वीनस मार्स अर्थ एंड सो दीज आर योर ऑप्शन कंप्लीटली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आता है तो करोगे नहीं आता तो इसमें तुक्का लगा करके या गेस वर्क करके कोई फायदा नहीं है आंसर है आपका ऑप्शन बी अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की तो मरकरी मार्स वीनस अर्थ यूरेनस मतलब कि आप ये लगा लो अर्थ से छोटे हैं मरकरी मार्स और वीनस और यूरेनस साइज में बड़ा है सो so, अगर हम प्लैनेट साइज़ेस को देखें इन द ऑर्डर ऑर्डर बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं जो सीक्वेंस uh, है फ्रॉम द सन ठीक है साइज के हिसाब से यहां पर मैंने अरेंज नहीं किया है यहां पर मैंने अरेंज किया है इन द सीक्वेंस एज दे आर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओके बट यहां पर मैंने आपको मैंशन किया है कि उनका रेडियस क्या है टू फोर फोर जीरो किलोमीटर अराउंड रेडियस है मरकरी का तो ये अर्थ का वन थर्ड है साइज में वीनस अराउंड सिक्स जीरो फाइव टू किलोमीटर है थोड़ा सा फर्क है लेकिन अर्थ से छोटा है अर्थ सिक्स थ्री सेवन वन किलोमीटर रेडियस है ठीक है मरकरी और वीनस दोनों से बड़ा है मार्स थ्री थ्री नाइन जीरो किलोमीटर अराउंड अर्थ का आधा साइज है इसका जुपिटर सिक्स नाइन नाइन वन वन किलोमीटर रेडियस है अर्थ का इलेवन टाइम्स ये प्लेनेट है साइज में सैटन फाइव एट टू थ्री टू किलोमीटर अर्थ से नाइन टाइम्स बड़ा है यूरेनस टू किलोमीटर अर्थ से फोर टाइम्स बड़ा है नेप्ट्यून टू किलोमीटर ये आ, स से थोड़ा सा छोटा है ओके तो आप ये लगा लो अर्थ से ऑलमोस्ट ये भी फोर टाइम्स ही बड़ा है सो दिस इज द साइज अब अच्छा इसमें अलग अलग तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ साइज वाइज कौन से नंबर पे आता है सोलर सिस्टम के अंदर हमारे तो आप देखोगे कि अर्थ से कितने कितने प्लैनेट छोटे हैं एक दो ठीक है उसके बाद आपका मार्स तीन तो तीन प्लान अर्थ से छोटे हैं यानी कि अर्थ जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है ठीक है फोर्थ नंबर पे आता है साइज के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है तो सबसे छोटा प्लैनेट आपका कौन सा हो गया बेटा स्मॉलेस्ट इन साइज मरकरी स्मॉलेस्ट इन साइज कौन सा हो गया मरकरी हो गया और अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट इन साइज तो आपका जुपिटर हो गया ठीक है और ये फोर्थ रैंक है अर्थ का तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर सो so कहता है कि एआई जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस है इसके अंदर जो फीमेल ल्यूटरस होता है उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑप्शन ए एग ओनली ऑप्शन बी फर्टिलाइज्ड एग ऑप्शन सी स्पर्म ओनली एंड ऑप्शन डी इज एग एंड स्पर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज बेसिकली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओके सो so, आर्टिफिशियल के अंदर फीमेल के अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन सी तो आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर क्या होता है अगर इनफर्टिलिटी है ओके यानी कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर मेल पार्टनर जो है वो फीमेल को प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर जो स्पर्म काउंट है वो काफी ज्यादा कम है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक के डोनर का हेल्दी डोनर का ठीक है जैसे आपने आयुष्मान खुराना की विक्की डोनर उस टाइप का डोनर से जो है आर्टिफिश आ, उसका सीमेंट लिया जाएगा और उसको फिर आ, इंजेक्ट किया जाएगा इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रेस ऑफ द फीमेल, ओके, okay? इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं इंट्रोड्यूस okay? so, कर रहे हो द टू ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू दिलॉसिटी ऑफ साउंड ओके पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑप्शन ए विलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडिया कि किस मीडिया से ट्रेवल कर रहा है सॉलिड गैस लिक्विड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेम रहेगी पहले स्टेटमेंट का मतलब में सबसे कम लिक्विड में ऑप्शन सी कहता है कि मैक्सिमम सॉलिड्स में होगी और मिनिमम लिक्विड्स में होगी ठीक है ऑप्शन डी कहता है मैक्सिमम सॉलिड्स में होगी और मिनिमम गैसेस के अंदर होगी तो एक तरीके से चारों स्टेटमेंट्स हैं तो एक ही ठीक होनी है तो यहां पर आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी ठीक है क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना वो जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए का मतलब है कि हर मीडियम के अंदर सेम रहेगी चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करती है ओके सो ये फास्टेस्ट होती है सॉलिड्स के अंदर और सॉलिड से जब आप डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाओगे ये कम होती जाएगी तो सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे तो कम हो जाएगी फिर लिक्विड से फर्दर अगर आप गैसेस में जाओगे तो और कम हो जाएगी तो ये वाला ऑर्डर होता है ओके सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स और साथ ही साथ मीडियम के टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करती है एक कोल्ड सॉलिड मीडियम और एक हॉट सॉलिड मीडियम उसके अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड का डिफरेंस आपको मिलेगा ठीक है सॉलिड से गैसियस आप जाओगे तो साउंड की स्पीड डिक्रीज करेगी एंड इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एक मीडियम में उतनी ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी ये वाला पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है अगर वो आपसे पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है या स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती है उस हिसाब से आपको आंसर करना नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए साउंड वेव्स इन गैसेज आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर ओके ऑप्शन बी साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो ट्वेंटी हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स ओके अपने से नॉट करेक्ट पूछा है उंड हाईर एम्पलीटूडर जितना एम्पलीट्यूड हाईअर उतनी लाउड होगी साउंड वेव हाई ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज आर शार्प ऑडिबल फ्रिक्वेंसी हाई है तो साउंड शार्प होगी कम है तो आ, ब्रिस्क होगी तो so, अल्टीमेटली यहां पर देखो साउंड वेवस गैसेज के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स होती लॉन्गिट्यूडिनल है सॉलिड हो लिक्विड हो गैसेज हो तो so, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड हाई होगी और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की साउंड जो है वो शार्प होती है बी आपकी गलत है क्योंकि 20 हर्ट से जो नीचे की साउंड होती है वो अल्ट्रा वेव्स नहीं होती अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्वेंटी हर्ट से ऊपर की होती है ठीक है तो ये अल्ट्रासोनिक नहीं होगा इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत है तो आंसर बी हो जाएगा ओके सो साउंड ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मटीरियल मीडियम

ओके सो बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड वेव का किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है ओके okay, तो जैसे अगर आप टेबल के ऊपर स्ट्राइक करते हो अगर आप हल्का सा स्ट्राइक करोगे तो वाइब्रेशन कम होगी एम्पलीट्यूड लो होगा लो एनर्जी होगी साउंड भी कम पहुंचेगी अगर आप उसको तेज स्ट्राइक करोगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और साउंड भी ज्यादा होगा जो आपका पॉइंट था उसके बाद जो साउंड वेव ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करें तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक का कंसेप्ट आ जाता है

बहुत बार ऐसा देखा गया है एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगले साल दोबारा क्वेश्चन आ जाता है उसी इन्फॉर्मेशन में से अब जैसे पूछ ले कि विटामिन बी से क्या डेफिशियंसी होती है अपने आप में एक सवाल है ठीक है क्या एनिमल्स विटामिन बी ट्वेल्व को सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद से या हमारी बॉडी बेसिकली सिंथेसाइज का क्या मतलब है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी ट्वेल्व बन सकता है ठीक है तो यह भी लिखा हुआ है कि नहीं बन सकता एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन बी ट्वेल्व तो इसी वजह से ह्यूमंस को विटामिन बी ट्वेल्व सारा डाइट के थ्रू लेना पड़ता है ओके द कॉम्प्लेक्सिंग मेटल आयन इन विटामिन बी ट्वेल्व इज ओके तो बेसिकली uh, जो कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट है इसके अंदर वो क्या है सो दैट विल बी योर जिंक आयन ऑप्शन सॉरी कोबाल्ट आयन सी Co3+ थ्री प्लस जो है आपका इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिंग मेटल है तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड जो ऑक्सीजन कैरियर है वो आयरन का कॉर्डिनेशन कंपाउंड है सिमिलरली विटामिन बी ट्वेल्व साइनो कॉब्लमाइन एंटीपेनेशियज एनिमिया फैक्टर ये कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ओके सो दिस वाज़ द क्वेश्चन अब जैसे अगर वो अगले साल आपसे uh, अगर फोटोसिंथेसिस uh, का पूछ ले तो मैग्नीशियम हो गया हीमोग्लोबिन का पूछ ले तो आयरन हो जाएगा ओके विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड आई होप यू गाइज लाइक दट इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर योर व्यूज इन टू द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय